नमस्कार दोस्तों, आप एक चैनल में माधव ऑटो ज्ञान में हम लेकर आ गए हैं BMW के DCX X5 मॉडल और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में इसको काफ़ी स्मार्ट बनाया गया है। फ्रंट से आपको मिल जाता है इसमें कैमरा और BMW की यहाँ पे प्रेजिंग मतलब इसका लोगो कंपनी के साथ में, और इसकी जो लुक है बम्पर्स की सामने की फ्रंट की एक चश्मे की तरह दिखता है क्योंकि काफ़ी गुड लुक इसके फिनिशिंग के साथ में। फ्रंट में आपको एक नहीं चार पार्किंग सेशन, 10 लाइट, आपको 3 बल्ब के ऑप्शंस में मिल जाती हैं, और फ्रंट से साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो ये काफ़ी आपको गुड लुकिंग के साथ मिलने वाली है, वेरी नाइस। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके बेहतर टायर्स 15 इंच के। तो दोस्तों ऐसी कारें प्रीमियम होती है SUV मॉडल्स के अंदर में, जहाँ आपको दिख जाता है मॉडल कोड X5 मॉडल, और यहाँ पर आपको मिल जाती है काफ़ी स्टाइलिश लुक, और यहाँ पर मिल जाता है रियर वाइपर्स जिससे इसकी आने वाली पीछे गाड़ी को आप वाइपर से साफ करके भी देख सकते हैं। शार्क एंटीना मिल जाता है, बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, काफ़ी स्मार्ट चीज़ें इंक्लूड की गई है, आप देख सकते हैं। फ्यूल टैंक्स 83 लीटर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, फिर 15 इंच के टायर्स जो काफ़ी मजबूती के साथ में ट्यूबलेस टायर्स का उपयोग किया गया है। आइए इसके फ्रंट इंटीरियर की बात करते हैं, इसमें भी आपको सारी चीज़ें स्मार्ट वर्किंग के साथ में दिया गया है, जिस गाड़ी को आप चलाने में काफ़ी आनंद महसूस करेंगे। मैक्सिमम पावर इसमें 381 मिल जाता है, और टॉर्क की बात करें दोस्तों 2520 और इंजन इसमें मिल जाता है आपको काफ़ी टॉर्क वाला है। ट्रांसमिशन इसमें 8 गियर मिलते हैं जिससे इस गाड़ी की टॉप स्पीड काफ़ी बेहतर बन जाती है। अंदर की बात करें तो AC चिल्ड मिलता है इसका ऑटोमेटिक के साथ में, अलग अलग सीट में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में वर्क करेगा। 360 डिग्री का कैमरा मिल जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं ऐसे वीडियो के, क्योंकि ऐसे ही वीडियो माधव ऑटो ज्ञान में यूट्यूब चैनल पे ही मिल सकते हैं हमारे यूट्यूब में, और यहाँ पे आपको बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाती है जहाँ पे एप्पल का डिस्प्ले के साथ में वायरलेस चार्जिंग, 1000 तारे के यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि इतने फीचर्स हैं आपको चलाने में काफ़ी समय हो जाएंगे। हम मोटा मोटा बता देते हैं, जैसे स्टीयरिंग के ऊपर आपको वॉइस कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे मैनुअल ऑप्शंस में मिल जाती है, जहाँ आपको आर्मरेस्ट वगैरह दे रखे हैं, कितने स्टाइलिश लुक के साथ में खुलता है। वाओ, इसमें आप रख सकते हैं कुछ कूलिंग वाली चीज़ें, यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं आप। वायरलेस चार्जिंग स्लाइडर साइड में है, यहाँ पे आपको इंटीरियर के ऊपर स्पीकर्स दिए हैं बीच में, जिससे साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी बन जाती है। सीट कंट्रोल्स की बात करें, यहाँ पे आपको कंट्रोल वाले स्विच दे रखे हैं जिससे आगे नीचे ऊपर नीचे सब कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ सामान पॉकेट वगैरह मतलब पर्स रख सकते हैं कुछ। यहाँ पे हर ऑप्शंस में आपको अलग अलग सिग्नल के साथ में AC के जो विंडोज़ देख सकते हैं, काफ़ी विंडोज़ अच्छी देखने क्वालिटी बरकरार, क्योंकि अब जैसा दाम वैसा काम वाली बात है, क्योंकि BMW की कार ऐसी वैसी नहीं है, काफ़ी बेहतर के साथ में इसके फीचर्स आपको बता के थोड़े हट से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको डोर वाइजर के ऊपर भी मिल जाता है चॉइल लॉक्स, सीट कंट्रोल्स वगैरह सारी चीज़, क्योंकि इसके अंदर एक मर्सिडीज ऑडी फरारी जैसे इसमें फंक्शन का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे साइड प्रोफाइल से बात करते हैं, यहाँ की साइड प्रोफाइल वाली भी जो सीट है उसको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं अपने कद हाइट के अनुसार। यहाँ पे इसमें मिल जाता है हाथ रखने के लिए, काफ़ी स्टाइलिश लुक लेदर फिनिशिंग के साथ में, इंटीरियर काफ़ी गुड लुकिंग के साथ में दिया गया है, और ऐसी फैसिलिटी इसके अंदर इंक्लूड की गई है, क्योंकि आप एक छोटे मोटे घर में रह रहे हैं। यहाँ पे मिल जाता है आपको कूलिंग सिस्टम वाला क्लब पॉट्स, और यहाँ पे ये लाइट भी काफ़ी नाइट के समय आपको इतना आनंद देने वाली है, क्योंकि स्टाइलिश लुक दिया गया है। एयरबैग्स भी काफ़ी भर भर के दिए गए हैं। आइए कुछ बैक साइड की भी बात कर लें, जिससे ये लाइट काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ में, चलो भाई खोलो खोलो हम देख सकते हैं अंदर क्या है। ओह माय गॉड, यहाँ पे भी काफ़ी स्टाइलिश लुक वाला है फिनिशिंग, रियर साइड वाला डोर वाइजर के भी अंदर आपको मिनर ऑप्शन मिलता है। रियर एसी की बात करें, यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं, मतलब कूलिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शंस, और सीट की बात करो काफ़ी अच्छी लुक के साथ में लिया है, ये आप फोल्ड भी कर सकते हैं। तो गाइस इसकी बात कर सकते हैं, यहाँ पे रियर एसी के साथ में भी आपको यहाँ पे मिल जाता है मतलब अच्छा खासा स्पेस, और यहाँ पे भी आपको रियर साइड में भी वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जितनी महंगी गाड़ी रहेगी उसकी फैसिलिटी की बात करें तो इसमें कुछ भी चीज़ें ऐसी छूटने वाली नहीं है। आप देखेंगे हर सीट के पीछे एडवांस फीचर्स दिए हैं, मोबाइल चार्जिंग और केबल, इस जगह जगह आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये एडवांस फीचर्स काफ़ी स्टाइलिश शटर वाला ऑप्शन दिया है। कैबिन लाइट की बात करें, एडवांस फीचर्स दिए हैं। सनरूफ की बात करें, काफ़ी पूरी छत
सनरूफ दे रखी है, मतलब काफ़ी बड़ा सनरूफ भी दिया गया है। साइड में आपको लाइट मिल जाती है, साइड प्रोफाइल में आपको एसी के व्हील्स मिल जाते हैं, मतलब कूलिंग तो इसमें इतनी ज़्यादा दे रखी है। प्राइस भी उतनी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि 1 करोड़ के आसपास है ये, 1 करोड़ 9 लाख 10 लाख तक इसकी प्राइस होगी इंडिया के अंदर ये। और यहाँ पे भी आपको सामान रखने का ऑप्शन दिए गए हैं सीट के पीछे काफ़ी। और यहाँ पे देखेंगे तो एसी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा कम जैसे भी चेहरे पे और नीचे आप स्मोकिंग करते तो उसके लिए भी दिया गया है, आई डोंट नो आप करना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन। और यहाँ पे लाइट, मतलब सीट के नीचे भी लाइट मिल जाती, स्क्रीन आपको मिल जाती है काफ़ी बड़ी, जैसे मोबाइल चार्जिंग रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी आसानी है रखने के लिए, मतलब एप्पल का मोबाइल हो या कोई सा भी मोबाइल आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी लाइट देखें, बंद करके देखते हैं, ये काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ में दिखती है, सारी पीओपी लाइट है। एक बंगले के अंदर हम रहते हैं उसी तरह इसको काफ़ी डिज़ाइनिंग की गई है भाई। और ये इसकी टेल लाइट्स मिल जाती है टर्न इंडिकेटर्स के साथ में, यहाँ से आपको पार्किंग सेंसर रियर साइड में मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर टाइप में, और यहाँ पर आपको रियर कैमरा मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करें, इसमें काफ़ी स्पेस दिया गया है, थोड़ा सा शौक लगेगा क्योंकि 625 लीटर का बूट स्पेस है भाई। और इसमें भी आपको तमाम सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आपको इसको सील फोल्ड करके भी आप इसको बड़ा स्पेस कर सकते हैं। बूट स्पेस के लिए यहाँ पे बटन ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हैं, सीट को भी आप फोल्ड कर सकते हैं। और इतनी बड़ी महंगी गाड़ी है तो इसके कलर्स की बात करो तो आपको टोटली 31 कलर्स मिल जाते हैं अलग अलग सीगमेंट्स के साथ में, पहली गाड़ी क्योंकि 36 कलर, मतलब 31 कलर काफ़ी होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, रैंकिंग की बात करें 4.5, तो उम्मीद करते हैं एक छोटी सी रील के माध्यम से आपको सारी चीज़ जानकारी देने की कोशिश की है। मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, थैंक यू।